देश भर में नोटबंदी से जुड़ी कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए खास रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद मची अफरा तफरी की तस्वीरें इन दिनों आम हैं, लेकिन इनके बीच ही कई जगहों से कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं। बैंकों में नोटों के संकट से निपटने के लिए अब एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। प्रिंटिंग प्रेस से नोटों की खेप देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। सरकार ने 5 ग्लोब मास्टर से, आरबीआई के मैसूर प्रिंटिंग केंद्र से देश के अलग अलग जोनल सेंटर में पैसे भिजवाए। ग्लोब मास्टर की मदद लेकर नागपुर से आरबीआई के जोनल सेंटर पर नोट पहुंचाए गए। इसके अलावा रीजनल सेंटर तक पैसे पहुंचाने के लिए MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। सरकार का दावा है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर सभी बैंकों में पर्याप्त रकम पहुंचा दी जाएगी। महाराष्ट्र के अकोला में हाईवे पर बना मराठा रेस्टोरेंट संकट की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। हाईवे से गुजरने वाले लोग यहां पैसों की चिंता छोड़कर मुफ्त में खाना खा सकते हैं। मराठा रेस्टोरेंट ने बाहर ये जानकारी भी छपवा रखी है कि नोट की चिंता किए बिना आप यहां खाना खा सकते हैं। ऐसे कितनी यात्री दिक्कत में होंगे, तो हमने एक तभी से योजना लगा दी कि वो आप आओ खाना खाओ, अगर आपके पास पैसे है तो दो, नहीं है तो जब चलन में आएंगे या आप फिर से आएंगे तब हमारे पास जो ये बिल है वो तब आपने हमें पेड करना। तमिलनाडु के वेल्लोर में जल संकटेश्वर मंदिर में अभी भी लोग दान के तौर पर 500 और 1000 के पुराने नोट दे रहे हैं। रविवार को जब नोटों की गिनती हुई तो 44 लाख रुपए के भी 500 और 1000 के नोट मिले। उधर पीएम मोदी की सख्ती के बाद लोग अब काले धन को ठिकाने लगाने में भी जुट गए हैं। इसी सिलसिले में सड़क पर अब कैश जब्त किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 90 लाख रुपए जब्त किए गए। ये सभी 500 और 1000 रुपए के नोट हैं। वहीं एमपी के छिदवाड़ा में एक कार से 47 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। 500 और 1000 के नोटों की गड्डियां मिलने के बाद 4 लोगों से पूछताछ चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को सरकार ने कई राहत दी है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलने की सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दी गई है। अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, मेडिकल स्टोर पर पुराने 500 और 1000 के नोट अब 24 नवंबर तक चलेंगे। एटीएम से अब 2000 के बजाय 2500 रुपए निकाले जा सकते हैं और बैंक से नोट बदलने की सीमा 4000 के बदले 4500 रुपए हो जाएगी। बैंक में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अब अलग से लाइन के अलावा बिजली के बिल जमा करने और प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर भी पुराने बिल लिए जाएं नोट लिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने अब 18 नवंबर तक के लिए हाईवे पर टोल प्लाजा फ्री कर दिए हैं। लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए पहले 11 नवंबर, फिर 14 नवंबर और अब 18 नवंबर तक टोल प्लाजा फ्री करने के आदेश दिए गए। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वहां पे आप पुराने पैसा जमा करवा सकते हैं अगर आपका अकाउंट हो। और दूसरी बात यह है कि जिसका अकाउंट है वो अकाउंट से वो ड्रॉ कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के 7 ज्वाइंट सेक्रेटरीज का एक टीम बनाई गई है और हर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को 4 या 5 स्टेट अलॉट किया गया है और हर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को 5 या 6 या 4 बैंक्स अलॉट किया गया है। लगातार सुबह से रात तक लगातार हमारे जो ऑफिसर्स है वो स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी के साथ, बैंक चेयरमैन के साथ लगातार उनके साथ वो टच में है और जहां जहां प्रॉब्लम है वहां पे डील कर रहे हैं। कल
ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, ये मैसेज दिया गया है स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को और बैंकों को कि जिन जिन रूरल पॉकेट्स में अभी तक कैश सप्लाई सफिशिएंटली नहीं पहुंचा है, उस टाइप के जो रूरल पॉकेट्स है उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे तुरंत बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा या मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज के द्वारा वहां पे जल्द से जल्द कैश पहुंचा दिया जाए।